राज्य के उपभोक्ताओं अपने घर के छत पर रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल http://solarrooftop.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले आवेदन को केंद्र सरकार के द्वारा संबंधित राज्यों के वितरण कंपनियों के पास भेज दिया जाएगा। राज्य के वितरण कंपनी आवेदन पर स्थापन कर उपभोक्ताओं के छत पर पैनल में चयनित एजेंसियों के माध्यम से रूफटॉप सोलर पैनल लगवाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को निर्धारित राशि का भुगतान संबंधित एजेंसियों को करना होगा। एजेंसी द्वारा सोलर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं के खाते में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। किसी तरह की जानकारी लेने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1800 180 33 33 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 40% अनुदान 1 से 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा बैंक अकाउंट के माध्यम से लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। 3 से 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने वाले को केंद्र सरकार के द्वारा लागत का 20% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ यह भी बता दें कि वितरण कंपनियों के द्वारा टेंडर के माध्यम से रूफटॉप सोलर लगाने के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसियों के द्वारा उपभोक्ताओं के छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल का 5 साल तक मेंटेनेंस करेगी। एक सोलर पैनल 25 वर्षों तक काम करेगा। राज्य के साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा 10-10 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। इसके लिए http://sppdcl.co.in और http://nbpdcl.co.in के माध्यम से आवेदन करना है। बिहार के वितरण कंपनी द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के छत पर लगाए जाने वाले 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 65% और 3 से 10 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45% अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार 25% अनुदान दे रही है, शेष अनुदान केंद्र सरकार का शामिल है। अनुदान की राशि कम कर उपभोक्ताओं के द्वारा वेंडर को भुगतान किया जाएगा। अनुदान की राशि सरकार के द्वारा सीधे वेंडर के बैंक खाता के माध्यम से भेज दिया जाएगा। बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के छत पर सोलर लगाने के लिए टेंडर के माध्यम से एजेंसी को आमंत्रित किया है। दर फाइनल करने की प्रक्रिया चल रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय वरीय अधिकारी के मुताबिक अगस्त महीने में दर फाइनल कर उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों के वेबसाइट से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के छत पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाले बिजली को घरेलू उपभोक्ताओं खपत करेंगे। खपत से अधिक बिजली होने पर बिजली कंपनी खरीदेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के परिसर में लगाने जाने वाले मीटर को हटाकर नेट मीटर लगाया जाएगा ताकि बिजली की होने वाली बिक्री और खरीद की हिसाब हो सके। खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद।